आज के वीडियो में हम आपको एक अनएक्सप्लोर्ड और हिडन ट्रेवल डेस्टिनेशन के बारे में बताने वाले हैं, जहां आप काफी कम एक्सपेंसेस में घूम के आ सकते हैं और एक्सपीरियंस कर सकते हैं हेवन ऑन अर्थ। तो ये वीडियो है वाकला के बारे में। इस डेस्टिनेशन के बारे में डीपली जानने के लिए वीडियो पूरा जरूर देखें। पसंद आए तो लाइक, शेयर और कॉमेंट करके चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। मेरा नाम है निखिल और आप देख रहे हैं एवर ऑन व्हील्स। वाकला केरल स्टेट का एक बहुत ही खूबसूरत ट्रेवल डेस्टिनेशन है। सुंदर बीचेस, एक्साइटिंग क्लिफ्स और माउंटेन से भरा हुआ वाकला एक एक्साइटिंग एक्सपीरियंस साबित होता है। अगर इस बार आप गोवा और गोकर्णा से हटके कुछ प्लान करना चाहते हैं तो वाकला आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है। कुछ ब्यूटीफुल प्लेसेस जैसे जटायु अर्थ सेंटर, ब्लैक बीच, वाकला क्लिफ एंड बीच, कपिल बीच एंड लेक इस जगह को और भी मेस्मराइजिंग बनाते हैं। यहाँ आप विटनेस करेंगे रेड एंड ब्राउन क्लिफ्स, जो कि इन बीचेस को बाकियों से अलग बनाती है। कैफेज और शॉपिंग की बात करें तो आप कैफेज में लाइव म्यूजिक के साथ एक बढ़िया एम्बियंस का मजा ले सकते हैं और साथ ही स्ट्रीट वेंडर्स के साथ बढ़िया शॉपिंग कर सकते हैं। वाकला के एक ब्लैक बीच में आपको देखने को मिलती है ब्लैक सैंड और महसूस करने को मिलती है ताजी हवा और आउट ऑफ क्राउड वाली फीलिंग। कपिल बीच एक लोकल बीच है, जहां आप मिलेंगे लोकल बंदों से और एक्सपीरियंस करेंगे एक नॉन कमर्शियलाइज्ड प्लेस। अगर आप और भी एक्सप्लोर करना चाहते हैं तो कुछ 35 किलोमीटर की दूरी पर पड़ता है कोलाम का जटायु अर्थ सेंटर, जो कि वर्ल्ड का लार्जेस्ट फंक्शनल बर्ड स्टैचू है। इसके अलावा आप एक दिन स्पेंड कर सकते हैं मुनरो आइलैंड्स में, जो तकरीबन 50 किलोमीटर की दूरी पर मिल जाएगा। इस जगह आप अपने आप को अपने काम से और सारी टेंशन से फ्री पाएंगे। रहने के लिए आप होमस्टे, हॉस्टल्स और होटल्स प्रेफर कर सकते हैं। दिसंबर से मार्च के बीच वाकला का एक्सपीरियंस आपके लिए कमाल का हो सकता है। 3 nights विजिट वाकला के लिए मोर देन इनफ है। भले ही फ्लाइट ऑप्शन थोड़ा कॉस्टली है, पर ये एक्सपेंसेस वाकला पहुंच के बहुत कम हो जाते हैं। 3 nights का ट्रिप बड़ी आसानी से 5,000 पर हेड में आप पूरा कर सकते हैं। इसीलिए यहाँ काफी सारे टूरिस्ट और ट्रैवलर्स विजिट करते रहते हैं, जो कि वाकला को ग्रो करने में काफी हेल्प करता है। वाकला अगर आप फ्लाइट से पहुंचना चाहते हैं तो आपको पहले त्रिवेंद्रम इंटरनेशनल एयरपोर्ट जाना होगा और वहां से कैब या ट्रेन की मदद से आप अपने डेस्टिनेशन पहुंच सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। जल्द ही लौटेंगे हम एक नई ट्रैवल डेस्टिनेशन के साथ। तब तक के लिए कीप स्माइलिंग एंड कीप शेयरिंग।